तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो गाइज। सो इस वीडियो में हम लोग एक वीडियो प्लेयर ऐप बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग HTML, CSS एंड JavaScript यूज़ करेंगे। एंड एक इसमें हम एक एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, ना एकदम बेसिक से पूरा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा वीडियो प्लेयर। वीडियो प्लेयर एंटर। अब इसको क्या करता हूँ, VS कोड में ओपन कर देता हूँ। अब ये मेरा एक्सप्लोरर सेक्शन है, इसमें क्या करता हूँ एक index.html का फाइल बनाता हूँ। अब HTML का जो भी बॉयलर प्लेट कोड होता है उसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, Shift+1 को दबाएंगे, मतलब कि एक्सक्लामेशन साइन, ठीक। अब यहाँ पे जो सजेशन आया उसको एंटर कर देंगे। सपोज यदि आपको नहीं आता है उस केस में क्या करेंगे, Ctrl+Space दबाएंगे तो वहाँ से जरूर सजेशन आ जाएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो सबसे जो पहला लाइन है वो लिखा हुआ doc.html, इसका मतलब बस क्या हुआ, यह ब्राउजर को बताता है कि जो हम लोग कौन सा HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे HTML का 4, 5 जो भी होगा, तो HTML का हम लोग 5 वर्जन यूज कर रहे हैं, और HTML का 5 वर्जन लिखने का तरीका बस होता है HTML5, ठीक है, 5 लिखने की जरूरत नहीं है। तो डॉक टाइप क्या बताता है, डॉक टाइप ब्राउजर बताता है कि हम लोग HTML का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। उसके बाद नीचे से टैग स्टार्ट होता है, ये मेरा पूरा क्या है HTML टैग है, मतलब एक पेरेंट है, ठीक है। उसका क्या है, उसका दो चाइल्ड है, एक तो हेड चाइल्ड है, एक मेरा हेड चाइल्ड है, ठीक है, हेड। उसके बाद नीचे दूसरा चाइल्ड क्या है, बॉडी टाइप, बॉडी चाइल्ड। अब देखो क्या होता है कि हेड चाइल्ड में क्या होता है कि हेड टैग में मेरे को मेटा डाटा होता है एंड टाइटल होता है जनरली। मेटा मतलब क्या हुआ कि एक इन्फॉर्मेशन एक प्रकार का है जो कि ब्राउजर को दिया जाता है जनरली। तो मेटा टैग में जो भी चीज़ दिखाएंगे ना वो मेरे को दिखाई नहीं देगा, बस वो ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताया जाता है कि मतलब ब्राउजर को बता देता है कि जैसे यहाँ पर कैरसेट UTF-8 है, इसका मतलब क्या हुआ, कैरसेट एक यूनिकोड है, ठीक है। और UTF क्या होता है बेसिकली, ऐसे होता था ना पहले होता था, जो कि यदि हम HTML4 की बात करें तो उसमें क्या होता था कि यदि आप कोई भाषा लिखोगे जैसे मैं हिंदी लिख देते हो तो वह वेब पेज पर शो नहीं होता था, उसको समझ ही नहीं पाता था, ठीक है। UTF-8 में है कि बहुत सारे भाषा इंक्लूडेड है, ठीक है, ये बहुत सारे भाषा को इनकोड कर लेता है। मतलब कि क्या होता है, कैरसेट का मतलब यूनिकोड है, यूनिकोड का मतलब बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर जो ब्राउजर में हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैरेक्टर एंड सिंबल यूज कर रहे हैं। और उसके बाद क्या करेगा UTF, वो कैरेक्टर और सिंबल को क्या करेगा, उसका जो भी मतलब ASCII वैल्यू होगा उसके अनुसार उसको यूनिकोड कर लेगा, मतलब इनकोड कर लेगा, और उसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके ब्राउजर को देगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ दूसरा क्या है, HTTP इक्वलेंट। तो बेसिकली ये ब्राउजर का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना उसको बताता है कि आप लेटेस्ट वर्जन जो कि एज है उसको यूज करने के लिए, ठीक। और तीसरा जो है मेरा क्या व्यूपोर्ट है, व्यूपोर्ट बेसिकली क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है या मोबाइल का स्क्रीन है वो ये व्यूपोर्ट है, ठीक है, जो डायमेंशन लेंथ विड्थ है वो मेरा व्यूपोर्ट है। तो वो बोलता है कि जो कंटेंट होगा ना विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस माइनस विड्थ, मतलब कि जो विड्थ होगा वो जो भी डायमेंशन मेरा जो होगा ना वह डिवाइस के डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, मतलब लैपटॉप है तो बड़ा दिखाना है उसको, मोबाइल होगा तो छोटा दिखाना है, ठीक, ये बताता है। उसके बाद इनिशियल स्केल, जो कि इनिशियल स्केल जो भी होगा मेरा 100% होगा। उसके बाद यहाँ पे टाइटल, जो कि जो भी टाइटल देंगे वो मेरे को दिखाई देगा वो ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिख देते क्या, वीडियो प्लेयर टाइटल, इसको दे देते हैं वीडियो प्लेयर, इसको भी कैप्चर कर लेता हूँ, ठीक। उसके बाद क्या करता हूँ, अब यहाँ पे हम लोग बॉडी में एक वीडियो टैग डालते हैं। अब देखो जो वीडियो बनाने के लिए मेरे को, मतलब सोम ब्राउजर में शो करने के लिए मेरे को वीडियो टैग का यूज करना पड़ेगा। इसका स्पेलिंग होता है VI होता है, ठीक है, VIDEO वीडियो टैग, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, एक बटन लगा देता हूँ जिस पर क्लिक करने पर चलेगा वीडियो बटन, ठीक है। एंड बटन को कुछ आईडी दे देता हूँ, आईडी का नाम दे देता हूँ बटन BTN, ठीक। उसी प्रकार वीडियो में क्या होता है ना, वीडियो में कुछ वैल्यू होता है, ऐसे में ऑटो प्ले यदि हम लिख देंगे ना तो अपने आप वीडियो जब लोड होगा तो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद लूप लगा सकते हैं, लूप मतलब हुआ जब वीडियो खत्म होगा तो दोबारा चालू हो जाएगा,
तो वीडियो में सबसे पहले मेरे को SRC फाइल देना होगा, कौन सा वीडियो चलाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग चलते हैं इंटरनेट पे, ठीक है, और कुछ वीडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ, कॉपीराइट फ्री वीडियो जो। आइदर पिक्सल्स में जा सकता हूँ या SPLUS में जा सकता हूँ। पिक्सल्स वीडियो लिख देता हूँ, ओपन हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, वो वीडियो को उठा सकता हूँ मैं, ठीक। कोई उठा लेता हूँ, ठीक है, इस वीडियो को ही उठा लेता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, जो मेरा डाउनलोड का सेक्शन है ना, यहाँ पर डाउनलोड जो हुआ है वीडियो, इसको कट करके मैं डेस्कटॉप पे जाके जो फोल्डर बनाया हूँ ना, उसको उसमें पेस्ट कर देता हूँ। वीडियो प्लेयर नाम का जो फोल्डर है इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद VS Code को ओपन करके इसको क्या करता हूँ, रीनेम कर देता हूँ। बैकग्राउंड वीडियो प्लेयर BVP नाम दे दिया इसको, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, जो वीडियो का जो SRC एट्रीब्यूट है ना, उसमें उसका मेरे को लिंक देना पड़ेगा। क्या नाम है, BVP आ गया मेरे को। बेसिकली 1.slash लिखने का मतलब हुआ कि सेम डायरेक्टरी में है, 2 डॉट लिखते हैं इसका मतलब कि एक डायरेक्टरी उससे बाहर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, और इसको भी कुछ आईडी दे देता हूँ। आईडी क्या दे दूँ, वीडियो दे देता हूँ, VIDO, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर बटन पे क्या लिखा होगा, प्ले करने के लिए लिखा होगा, प्ले, ठीक है। यदि हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी अभी, प्ले बटन नीचे दिख रहा है। देखो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा, कौन सा एक्सटेंशन, यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा लाइफ रिव्यू, लाइफ रिव्यू नाम का, या लाइफ रिव्यू होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप बस यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा आपको ऑप्शन शो प्रीव्यू का, इससे आप VS कोड में ही जो ब्राउजर का जो फंक्शनलिटी होगा उसको देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे दूसरा एक्सटेंशन आप लाइव सर्वर से भी देख सकते हो, गो लाइव करेंगे यहाँ पे, मेरे में लाइव सर्वर इंस्टॉल है तो ब्राउजर में चला जाएगा, बट अभी मैं जा रहा हूँ, उसके बाद ब्राउजर में देखूंगा। चुके देखो एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है, चलिए इसको ब्राउजर में देखता हूँ, ज़्यादा अच्छा दिखेगा वहाँ पे, इसको दिखाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही इसका साइज है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मार्जिन पैडिंग, देखो ये उजला उजला दिखाई दे रहा है, इसको हटाना है मेरे को, इसको मार्जिन पैडिंग को 0 कर देता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, ब्राउजर में ही दिखूंगा। अच्छा देखो अब मेरे को क्या करना है, CSS अप्लाई करना है। CSS अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिंक करना पड़ेगा CSS को, मेरे को यहाँ पर लिंक लिखेंगे और CSS जो ऑप्शन है यहाँ पर, और उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिंक जो यूज करते हैं ना, रिलेशनशिप स्टाइलशीप, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं किसके बीच में, CSS एंड HTML के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे HTTP के बीच में HTTP, और जो फाइल बनाएंगे उसका मेरे को यहाँ पे एड्रेस देना पड़ता है, तो एक्चुअली में फाइल तो बनाया ही नहीं मैं, तो क्या करता हूँ index.css का फाइल बना देता हूँ। लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, index.js का भी फाइल बना देते हैं, जरूरत पड़ेगा ही। क्या करता हूँ अब index.html में यहाँ पे जाके हम लोग क्या करता हूँ, स्टाइल के जगह पे जो हम लोग जो नाम दिए हैं index.css लिख सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो, नहीं तो होता है ना कि हम लोग सेम डायरेक्टरी में है, मतलब देखो वीडियो प्लेयर है उसके अंदर जो है सब सब सेम डायरेक्टरी में है, ठीक है। तो इस सेम डायरेक्टरी में जब होते हैं तो एक डॉट देते हैं, एक स्लैश देते हैं, उसके बाद जो भी फाइल का नाम होता है वो लिख देते हैं,
ऐसे लिख सकते हैं, या जैसे शुरू में था वैसे भी चलेगा, बट समटाइम्स इशू आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लगे हाथ क्या करते हैं, जेएस को भी लिंक कर देते हैं, जेएस फाइल बनाया है ना कि बाद में इशू नहीं आएगा, तो बॉडी टैग जो इंड हुआ है उससे जस्ट बाद में यहाँ पे स्क्रिप्ट को लिंक कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखेंगे, यहाँ पे SRC आ जाएगा, सजेशन आ गया SRC, और क्या करते हैं इंडेक्स डॉट js को लिंक कर देता हूँ, हो गया लिंक। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं ये दोनों पे, ठीक है, सबसे पहले बॉडी पे css अप्लाई करते हैं, फिर id पे करेंगे, तो वीडियो id पे करेंगे, उसके बाद बटन पे कर देंगे, तो इंडेक्स डॉट css में चलते हैं, यहाँ पे मेरा इंडेक्स डॉट css है, और ये जो एक्सपोर्टर सेक्शन है इसको बंद कर देता हूँ, ओके, आपको अच्छा से दिखाई देगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता हूँ, हम लोग सबसे पहले बॉडी पर css अप्लाई करते हैं, बॉडी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं मार्जिन को जीरो कर देता हूँ, मार्जिन जीरो कर देता हूँ, ठीक है, एंड पैडिंग भी जीरो कर देता हूँ, पैडिंग जीरो। उसके बाद क्या करता हूँ, जो फॉन्ट फैमिली है ना, फॉन्ट फैमिली एक ऑप्शन आ रहा है, सेंस सिर्फ इसको लगा देता हूँ फॉन्ट फैमिली पे, ठीक है, ये हो गया, करके करता हूँ। उसके बाद हम लोग किस पे css अप्लाई करना है, मेरे को वीडियो पे अप्लाई करना है, वीडियो क्या है आईडी है, तो आईडी के लिए क्या यूज करते हैं, हैच यूज करते हैं, vidio। फिर इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो पोजीशन है ना इसको फिक्स कर देता हूँ, पोजीशन फिक्स कर देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, इसका जो लेफ्ट पोजीशन से वैल्यू जीरो कर देता हूँ, लेफ्ट जीरो, राइट से भी जीरो कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, इसका बिथ दे देता हूँ, जो बिथ होगा 100% कर देता हूँ, ठीक, हाइट को भी 100% कर देता हूँ, उसके बाद इतना हो गया मेरे को। ठीक, अब देखो कैसा दिखता है पूरा, अब देखो क्या हुआ, प्ले यहाँ चला गया, प्ले बटन नीचे था यहाँ पे चला गया, चलो इसको फिक्स कर लूँगा। उसके बाद इसको क्या करता हूँ ना, ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर देता हूँ, अब देखो तो अच्छा दिख रहा है अब, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिट को ओवर हुआ तो फिर अच्छा दिख रहा है। अब क्या करता हूँ कि हम लोग ऐसा कर दिया, उसका बटन पे स्टेटस अप्लाई करते हैं, यदि कुछ बचा होगा तो फिर बाद में अप्लाई कर लूँगा, बटन पे तो क्या करता हूँ, बटन को इसका भी पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ, पोजीशन फिक्स, ठीक है। उसके बाद जो इसका पोजीशन हम लोग चाहते हैं ना, क्या हो, हम लोग पोजीशन चाहते हैं कि जो नीचे है ना, नीचे से थोड़ा सा ऊपर हो, यानी 10% ऊपर हो, ठीक है, एंड लेफ्ट से इधर से मेरा 50% इधर हो, यानी यहाँ पे हम लोग चाहते हैं। इसके लिए क्या लगाना पड़ेगा मेरे को, लेफ्ट से कितना 50% चाहते हैं कि इधर हो, 50 या 40 भी कर सकते हैं, बट चलो 50 करता हूँ, 50%, एंड बॉटम से इसका पोजीशन क्या होना चाहिए, 10% ऊपर होना चाहिए, ठीक है, एंड एंड इसको क्या कर सकते हैं, जो पैडिंग होगा ना इसमें, बॉटम बॉटम होगा, ठीक है, या चलो ये हो गया, पैडिंग कर देता हूँ, ठीक है, लग यहाँ पैडिंग भी कर देता हूँ, ऊपर से चाहते हैं कि 10 10 पिक्सल या 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल कर देते हैं, ऊपर से 10 पिक्सल 20 पिक्सल कर देता हूँ, एंड लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर कुछ कर देता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देता हूँ,
ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर हो गया, एंड उसका जो कलर होता है उसको कर देता हूँ वाइट, ठीक है। देखो कैसा दिखता है अब, देखो यहाँ पे बन के आ गया। और एक और चीज़ क्या हो रहा है, देखो कि यहाँ पे मेरा कर्सर आ रहा है, ठीक है, जिसको पॉइंटर में कन्वर्ट कर देता है, कर्सर को पॉइंटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरा हैंड वाला आ गया, ठीक है, ये हो गया। इसको क्या करता हूँ ना, यहाँ पे ब्राउजर में यहाँ पे खोल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखाई देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। सो प्रीव्यू करता है, बगल में ऐसे रहेगा तो आपको दिखाई देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आने की कोशिश करेगा। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग ये तो अप्लाई कर दिए लेकिन ये अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अभी तक समझ में आया कि नहीं, क्या किया गया एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या किया हम लोग, HTML में क्या कहते हैं, HTML में वीडियो टैग लगाए, एक बटन टैग लगाए, बस इतना ही किया। वीडियो टैग क्या होता है, SRC, SRC में क्या देना पड़ता है, जो वीडियो का फाइल का जो लोकेशन है वो देना होता है। उसके बाद आईडी दिए, आईडी क्यों दिए, CSS अप्लाई करने के लिए, एंड बटन में आईडी और बटन दिया, ठीक है, इसमें भी CSS अप्लाई करना है, एंड कुछ मैनिपुलेशन करना है JS से, इसलिए दिए थे। उसके बाद CSS में क्या किया हम लोग, बॉडी का जो मार्जिन पैडिंग जीरो कर दिए थोड़ा, उसके बाद फ्रंट फैमिली अप्लाई कर दिए, ठीक। उसके बाद वीडियो का जो पोजीशन था उसको फिक्स कर दिया हूँ, एंड जो उसका जो लोकेशन क्या होगा, लेफ्ट से जीरो एंड राइट से जीरो कर दिया हमेशा के लिए, एंड विड्थ एंड हाइट को क्या किया हूँ 100% कर दिया हूँ, जो भी व्यूपॉर्ट का हाइट होगा वो 100% लेगा अपना, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट फिर कवर कर दिया हूँ उसको। उसके बाद क्या किया हूँ, बटन का पोजिशन को भी फिक्स कर दिया, ठीक। और उसका लोकेशन क्या है, लेफ्ट से 50%, मतलब इधर से मेरा 50% होगा। उसके बाद क्या हुआ, बॉटम से 10% होगा, नीचे से 10% होगा, 10% ऊपर होगा, ठीक है। एंड पैडिंग दो वैल्यू लिखा हूँ, ठीक है। 20 पिक्सल का मतलब हुआ कि ऊपर नीचे से क्या होगा, 20 पिक्सल होगा, एंड 40 पिक्सल का मतलब लेफ्ट राइट से 40 पिक्सल होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर तो समझ में आ गया है, ब्लैक है। उसके बाद कलर फॉन्ट का जो कलर है व्हाइट कर दिया हूँ, ठीक है, ये हो गया। एंड कर्सर पॉइंटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अब हम लोग JS अप्लाई करते हैं, देखो तो क्या करना पड़ेगा, जो HTML का जो टैग है वो मेरे को JS में यहाँ पर लाना पड़ेगा, तभी तो उसको उस पर हम लोग JS अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए क्या यूज करेंगे, गेट एलिमेंट वाई आई डी, दो आई डी है मेरा, एक वीडियो है एक बटन है, तो दोनों को यहाँ पे लाते हैं, इंक्लूड करता हूँ, कॉन्स्ट या वीडियो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई आई डी, ठीक है। ये बार बार क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली में ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, तो जैसे ही मतलब कोई लेटर टाइप करता हूँ वो सेव हो जाता है, उसके बाद वो अपडेट होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। कॉन्स्ट वीडियो कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बटन भी कर देते हैं, बटन को यहाँ पर ले आते हैं और document.getElementById बटन कर देता हूँ, बटन कर दिया, ठीक है, ये दोनों को सेव कर दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसी कोई बंदा बटन पर क्या करता है, क्लिक करता है, कुछ कराना चाहते हैं, यहाँ पर एड इवेंट लिस्टनर डालेंगे, ठीक है, एक इवेंट लिस्नर है, बटन पे लगा दिए। उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे कि जैसे ही कोई क्लिक करता है तो वहाँ पे कोई फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिसका काम होगा कि वीडियो तुम प्ले कर दो, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही कोई बंदा क्लिक किया है तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो कॉल बैक फंक्शन यूज किया हो, ठीक है, ये कॉल हो जाएगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है इफ, ठीक है, जो वीडियो है ना यदि रुका हुआ है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, वीडियो जो ये टैग यहाँ पर लाए हैं उसका वीडियो डॉट यदि पॉज होगा, रुका हुआ होगा, उसके समय क्या करना है मेरे को, वीडियो को प्ले कर देना है, ठीक है। क्या लिखना होगा, वीडियो, ठीक है, ये वीडियो क्या है, जो यहाँ पे जो टैग को लाए हैं, इंक्लूड किए थे, इसमें स्टोर किए हैं, वो वैल्यू के लिख रहे हैं, वो वीडियो डॉट एक फंक्शन है, प्ले कर देना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, जैसी वीडियो प्ले हो जाएगा तो यहाँ पे एक क्या देखना चाहिए, पॉज करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, बटन, ये बटन है जो कि उसका जो इनर टेक्स्ट होगा ना,
क्या होना चाहिए, क्या दिखना चाहिए वहाँ पे? इनर टेक्स्ट दिखना चाहिए कि प्ले का दिखना चाहिए, ठीक है, सॉरी, जैसी प्ले होगा तो यहाँ पर क्या दिखना चाहिए, पॉज, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे पॉज, पॉज दिखेगा तभी तो पॉज होगा, ठीक है। एल्स यदि वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा मेरे को, यदि कोई क्लिक करेगा तो वीडियो को क्या करना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, तो वीडियो डॉट क्या पॉज, ठीक है, पॉज फंक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो बटन का इनर टेक्स्ट है, वीडियो चल रहा था पॉज कर दिए, तो फिर क्या दिखाना पड़ेगा मेरे को, प्ले का ऑप्शन देना पड़ेगा वहां पर, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो चलने लगा वीडियो, ठीक है, दिख रहा है, इसको ब्राउजर में देखना है, ब्राउजर में खोलते हैं, ठीक है, हाँ इसको ब्राउजर में ओपन करता हूँ, प्ले वीडियो चल रहा है, ठीक, चल रहा है। देखो एक और चीज हम लोग चाहते हैं ना, एक और चीज अप्लाई करना चाहते हैं, क्या अप्लाई करना चाहते हैं कि वीडियो कभी रुके ही नहीं, सपोज हम जब तक हम लोग इस पे पॉज पर क्लिक नहीं करते तब तक वीडियो मेरा रुके नहीं, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग लूप लिख देते हैं, जैसी वीडियो खत्म होगा ना फिर वहां से स्टार्ट हो जाएगा अपने आप, लूप का मतलब हुआ, ठीक। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग लगा सकते हैं, ऑटो प्ले भी लगा सकते हैं, इसका मतलब होगा जैसी वो लोड होगा ना ऑटो प्ले अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक, तो ऑटो प्ले भी लगा सकते हैं, बट चलो नहीं लगाते, बस लूप लगाता हूँ यहाँ पे, लूप का मतलब समझ में आया क्या होता है, कि जैसी वीडियो खत्म होगा फिर से स्टार्ट हो जाएगा। चलो ब्राउज़र में देखता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, चल रहा है, तो हो गया है या प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होता है यदि कोड करने में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में, एंड यह वीडियो कैसा लगा यह जरूर बताइएगा।